लुधियाना पुलिस प्रशासन के द्वारा आज लुधियाना के पीजीओ में नशे के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आलमा आतम नगर के एमएलए सरदार कुलवंत सिंह सिद्धू भी शामिल होने आए हैं। पेशेंट ने बताया इन्होंने डाला है, इसे बात करते सर किस तरीके से देखते रैली को? जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने सपना दिया था कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है, उसको आज मैं कहता हूँ चार चंद लगा दी इस रैली ने। हजारों की गिनती में 10 साल से बच्चे से लेके 80 साल का बुजुर्ग और महिलाएं हमारी बच्चियां इसमें शामिल होकर आज ये साबित करना चाहती हैं कि पंजाब में नशेई किसी को कह नहीं देना, नशा पंजाब में रहने। जी बिल्कुल, अब हजारों की तादाद में यहाँ पे बुजुर्ग जवान सभी शामिल हुए, आपने ऐसी रैली कभी देखी है? जिंदगी में पहली इतनी बड़ी रैली नहीं देखी। मैं समझता हूँ ये दिल्ली से ऊपर का भी अगर जो कोई रिकॉर्ड होगा वो भी आज टूट जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो रैली में शामिल होकर लुधियाना वासियों ने ये साबित किया है कि पूरा पंजाब भगवंत सिंह मान के साथ है। जो भी वो फैसला लेंगे वो समुचे पंजाब का। जी बिल्कुल, इनकी बात सही है कि ऐसी रैली इन्होंने कभी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। लगातार जो साइकिल रैली है वो लगातार चल रही है। जो मुख्यमंत्री मान है उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और साथ में जो पंजाब के नेता उन्होंने भी उनके साथ शामिल रहे जा रही है इस रैली में। आप देख सकते हैं बच्चे बूढ़े जवान सभी शामिल हैं। सभी का ये कहना है कि जो ये सरकार के द्वारा रैली की गई है ये बहुत अच्छा उपराना है और बहुत ज्यादा लोग यहाँ आकर के सपोर्ट करें और बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। राजेश गौतम देख पाए के लिए लुधियाना। लुधियाना पुलिस प्रशासन के द्वारा आज लुधियाना के पीजीओ में नशे के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आलमा आतम नगर के एमएलए सरदार कुलवंत सिंह सिद्धू भी शामिल होने आए हैं। पेशेंट ने बताया इन्होंने डाला है, इसे बात करते सर किस तरीके से देखते रहेंगे? जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने सपना दिया था कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है, उसको आज मैं कहता हूँ चार चंद लगा दी इस रैली ने। हजारों की गिनती में 10 साल से बच्चे से लेके 80 साल का बुजुर्ग और महिलाएं हमारी बच्चियां इसमें शामिल होकर आज ये साबित करना चाहती हैं कि पंजाब में नशेई किसी को कह नहीं देना, नशा पंजाब में रहने। जी बिल्कुल, अब हजारों की तादाद में यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग जवान सभी शामिल हुए, आपने ऐसी रैली कभी देखी? जिंदगी में पहली इतनी बड़ी रैली नहीं देखी। मैं समझता हूँ ये दिल्ली से ऊपर का भी अगर जो कोई रिकॉर्ड होगा वो भी आज टूट जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो रैली में शामिल होकर लुधियाना वासियों ने ये साबित किया है कि पूरा पंजाब भगवंत सिंह मान के साथ है। जो भी वो फैसला लेंगे वो समुचे पंजाब का। जी बिल्कुल, इनकी बात सही है कि ऐसी रैली इन्होंने कभी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। लगातार साइकिल रैली है वो लगातार चल रही है। जो मुख्यमंत्री मान है उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और साथ में जो पंजाब के नेता उन्होंने भी उनके साथ शामिल रहे जा रही है इस रैली में। आप देख सकते हैं बच्चे बूढ़े जवान सभी शामिल हैं। सभी का ये कहना है कि जो ये सरकार के द्वारा रैली की गई है ये बहुत अच्छा उपराना है और बहुत ज्यादा लोग यहाँ आकर के सपोर्ट करें और बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। राजेश गौतम देख पाए के लिए लुधियाना।